अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया तुम लोगों ने। मैं जरा किचन में देखाती हूँ कि खाना तैयार है या नहीं। ममता, तुमने तो सचमुच में बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है। हाँ, मैं घर पर भी बनाया करती थी। वैसे भी मुझे रंगों से बहुत प्यार है, खास करके लाल रंग से। लाल? हाँ, देखो ना ये रंग कितना सुंदर लगता है। ये वो रंग है जिसकी मेरी जिंदगी में कमी है। लाल प्यार का रंग, मेरे माथे के सिंदूर का रंग। जब मेरी मांग सजाने वाला ही यहां नहीं है तो उस पर रंग कैसे चढ़ेगा? मेरा दिल कहता है कि आज करण वापस जरूर आएगा। और बुआ जी ने जाते समय यह भी कहा था कि मिठाई तैयार रखना। और मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ तुम सबको? आज दिवाली है, 1 अप्रैल नहीं, इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? ममता, मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारे लौटने से पहले मिठाई तैयार रखो। तैयार है ना मिठाई? तुम यहां क्या कर रही हो तनीषा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? अरे नहीं अक्षय बेटा, गलती मेरी है, मैं तो बताना ही भूल गई। इससे मिलिए, ये मेरी बहू है तनीषा। मेरी बहू है तनीषा, करण की पत्नी। आज के बाद करण के साथ ये भी इसी घर में रहेगी। मेरी बहू है तनीषा, करण की पत्नी। आज के बाद करण के साथ ये भी इसी घर में रहेगी। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? तनीषा को दोबारा इस घर में ला रही? आपको सचमुच नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं? अनंत, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं तुमसे सीखना नहीं चाहती। चलो बेटा। करण, ये क्या तमाशा? मजाक तो अब मैं आपका बनाऊंगा भैया। करण, अपनी मां के प्यार की ये सजा दे रहे हो बेटा? आज दिवाली के दिन हम सब तेरा इंतजार कर रहे थे। हरिओम हरिओम दमयंती, अब करण तुमसे बात नहीं करना चाहता तो ठीक है, छोड़ दो ना, पीछे क्यों पड़ी हो? आप लोग अंदर नहीं आएंगे,
तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? करण तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। शायद मैं ही भूल गया हूं। रिश्तों को समझने की तमीज तो तुम्हें है ही नहीं। तुमने उस औरत को छोड़ दिया जिसने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया। तुम चाइना का साथ क्या निभाओगे? जो तुम्हें दिलो जहां से चाहती है तुम्हें घर में वापस लाने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती है। लेक्चर खत्म हो गया आपका? अब मैं अपनी पत्नी को अंदर ले जाऊं? बीवी? ये औरत बीवी कैसे बन पाएगी? इसे तो औरत बनाकर भगवान ने सबसे बड़ी गलती की है। उस चाइना को बनाकर कौन सा बहुत अच्छा काम किया है? आज तक इसने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। करण! अनंत! मेरे होते हुए मेरे बेटे पर हाथ तो क्या कोई आंख तक नहीं उठा सकता, समझे? चलो बहू। दीदी, आपको पता है आप क्या करने जा रही हैं? तनिषा के गृह प्रवेश के साथ इस घर में अशांति फैल जाएगी। इसीलिए मैं इसका गृह प्रवेश हरगिज नहीं करूंगी। हरिओम हरिओम दमयंती, तुम समझती नहीं हो, तनिषा मेरी बहू है। इसका गृह प्रवेश करने के लिए मैं तुम्हें नहीं कह रही, ये अच्छा काम मैं खुद करूं अपने हाथों से। एक्सक्यूज मी, चलो। ये सब क्या हो गया है? क्या है अनंत, क्यों बुलाया है? दीदी, मैं आपसे तनिषा के बारे में कुछ बात करना है। अनंत, मैं तनिषा के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। तनिषा मेरे बेटे की पसंद है और मेरे बेटे की पसंद मेरी पसंद। मतलब आप करण को मनमानी करने देंगी? क्यों, इस घर में हर कोई मनमानी करता है। तुम्हारे बेटे को ही देखो, उसने की ना अपनी मनमानी, अपनी पसंद की बहू ले आया है, एक नौकरानी से शादी की है उसने। हुआ क्या? हुआ कुछ गलत कह रही हूं मैं? मेरी बहू ममता से तो अच्छी है, खानदानी है, सुंदर है और मेरे बेटे की पसंद है। दीदी, तनिषा जैसी लड़की ना तो किसी को अपना बना सकती है और ना आगे चल के कोई रिश्ता निभा सकती है। हरिओम हरिओम अनंत, तुम्हारी इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं जानती हूं कि तनिषा दिल की बहुत अच्छी है। दिल? दिल होता क्या है तनिषा जानती है? अगर उसके पास दिल होता ना तो ये सब नहीं करती। इन बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपनी बहू को मंदिर ले जाना चाहती हूँ। दीदी, तनिषा अक्षय की पहली बीवी है। तनिषा अक्षय की पहली बीवी है। हाँ दीदी, मुझे तो लगता है कि तनिषा का काम सिर्फ दूसरों की जिंदगी में जहर खोलना है और शायद अब भी वो यही करना ही है। आपको नहीं पता उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे कृष को मारने की कोशिश की, उसने फिर कस्टडी के लिए केस किया, हमारे घर में जहर खोला।
इतना सब जानने के बाद मुझे यकीन है दीदी कि आप सच का ही साथ देंगे। हरिओम हरिओम। अब खेलूंगी मैं सही खेल। अब मैं हर उस बेइज्जती का बदला लूंगी जो इस घर के लोगों ने मेरे साथ की है। अपनी हर चोट के बदले मैं उन्हें दूंगी हर रोज एक नई चोट। अक्षय, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी और के भी नहीं हो पाओगे। मैं भी देखती हूँ कि आखिर ममता तुम्हें कब तक बांध कर रख सकती है। हे भगवान, तू इसी तरह मेरी मनोकामनाएं पूरी करता रहे। करण, तुम्हें याद है बचपन में तुम जब भी कोई गलती करते थे तो डैड की डांट से तुम्हें कौन बचाता था? तुम्हें अगर कोई भी चीज चाहिए होती थी तो तुम किसे कहते थे? छोटी सी चीज करने से पहले तुम किसे पूछते थे? करण, मैं नहीं जानता कि अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा हाथ थामने वाला मेरा भाई इतना कैसे बदल गया। उसके भोले से मन में इतनी कड़वाहट कहां से पैदा हो गई? शायद मेरा भाई बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि अपनी ही गलतियों को सही समझने लगा है। पर मेरे भाई, तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में अपना कौन है और पराया कौन है। कम से कम इस घर में तो मेरा कोई अपना नहीं है। कितनी आसानी से तुमने डैड को पराया कर दिया। मुझे तो तुम देखना तक नहीं चाहते। और माँ, एक माँ के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, रात रात भर जागकर अपनी गोद के पालने में उसकी नींद पूरी की, आज उसी बेटे ने एक ही झटके में वो रिश्ता खत्म कर दिया। आज हम सब तुम्हारे लिए पराया हो गए, हम सब। और वो तनिषा तुम्हें अपनी लगने लगी? तनिषा के बारे में कुछ मत कहना। क्यों ना कहूं? क्या तुम नहीं जानते उसने हमारे साथ क्या किया? अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं। तनिषा वही औरत है जिसने पैसों के लिए हमारी माँ की जान लेने की कोशिश की, जिसने पैसों के लिए हमारी माँ की जान लेने की कोशिश की। उसने मेरे बेटे कृष्ण को, तुम्हारे भतीजे कृष्ण को मारना चाहा। और आज तुम उस तनिषा के लिए अपने घर वालों को पराया कर रहे हो। इस घर के रिश्ते मेरे थे ही कब? किसी ने सच ही कहा है, जब किसी इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो उसका हर कदम बर्बादी की तरफ बढ़ता है। आज तनिषा को अपना कर तुम्हारे हर कदम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे। बस भैया, बहुत सुन चुका मैं। तनिषा मेरी पत्नी है, जो उसे आप नहीं दे सके अब मैं दूंगा उसे। लोग खुली आंखों से गलती करते हैं, ये आज तक सिर्फ सुना था मैंने, आज देख भी लिया। ठीक है, मैं जानता हूं तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि जिस दिन तनिषा के काले जादू का पर्दा तुम्हारी आंखों से हटेगा उस दिन बहुत देर ना होगा। हो गया आपका। शायना, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा ममता, क्या ठीक हो जाएगा? अब ये लाल रंग मेरी मांग में कभी नहीं सजेगा। ऐसा नहीं कहते शायना,
क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो तुम मुझे? इतनी चोटें खाने के बाद अब मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं हर कड़वे सच का सामना कर सकूं, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि मेरे होते हुए मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, और मेरे सौतन और कोई नहीं, खुद तनीषा है ममता, खुद तनीषा है। तो कैसी लगी सौतन की एंट्री? अरे दिवाली का दिन और कोई आतिशबाजी ना हो तो मजा नहीं आता ना। घर के किचन में मिठाई बनाना, रंगोली ड्रॉ करना, इट्स सो बोरिंग। लाइफ में कुछ तो ट्विस्ट होना ही चाहिए ना। तनीषा, तुम्हें मुझसे परेशानी थी तो तुम शायना की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? वो कहते हैं ना ममता, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। तुमने शायना की जिंदगी में आके अच्छा नहीं किया तनीषा। अच्छा तो तुमने भी नहीं किया था मेरी और अक्षय की जिंदगी में आकर। कितने खुश थे हम दोनों। तनीषा, अपने आप को झूठी तसल्ली देना बंद करो। ये मैं और तुम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने अक्षय को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया था, जो आज नहीं तो कल टूटना ही था। मेरा और अक्षय का प्यार सच्चा है। इतना घमंड है अपने प्यार पर? ऐसे भी था, मैंने इसके घमंड को तोड़ दिया और तुम्हारे घमंड को भी तोड़ दूंगी, समझ गई? तुम्हें तोड़ने के अलावा आता भी है कुछ? हम सब जानते हैं कि तुम इस घर में वापस क्यों आई हो। और शट अप तनीषा। देखिए ना मम्मी जी, मैं तो बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए इनसे माफी मांगने आई थी, पर शायद अनजाने में मैंने इन्हें ज्यादा ही हर्ट कर दिया। सॉरी शायना, सॉरी जेठानी जी। अगर मेरे यहाँ आने से आपको खुशी नहीं हुई है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको कम से कम शिकायत का मौका दूँ, है ना मम्मी जी? चलो मेरे साथ। आपने मुझे कब बुलाया? तनीषा, मेरे सवाल का सच सच जवाब दो। मैंने जो सुना वो सही है? मुझे क्या पता कि आपने क्या सुना है। क्या मम्मी जी? तुम नहीं जानती मैंने क्या सुना? ओह, तो मेरी बदनसीबी की कहानी आपको भी पता चल गई। लेकिन बताने वाले ने ये नहीं बताया कि मेरी जिंदगी एक बार बर्बाद करके उसे चैन नहीं आया, जो दूसरी बार बर्बाद करना चाहता है। कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो, बता। मम्मी जी, अगर पुराने जख्मों को छेड़ा जाए ना तो उनके हरे होने का डर बना रहता है, और मैं तो अपने जख्मों को करण के प्यार से भरना चाहती हूँ। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। तनीषा, माँ को सब कुछ सच सच बता दो, मुझे माँ पे भरोसा है, वो खुद ही फैसला कर लेगी कि क्या सही है और क्या गलत है।